दंदे फाउंडेशन, जल संपदा विभाग और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ विदर्भ के संयुक्त विद्यमान से निःशुल्क विलगीकरण केंद्र शहर के अजनी स्थित जल संपदा विभाग के कार्यालय में नागपुर वासियों की सेवा में शुरू हुआ है, जहां कोविड मरीजों का डेली चेकअप, दो वक्त चाय नाश्ता, दो वक्त का खाना, सैनिटाइज की विशेष व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की जाएगी। इन सारी सुविधाओं के साथ यह विलगीकरण केंद्र माइल्ड लक्षणों वाले मरीजों के लिए बनाया गया है। डॉक्टर दंदे फाउंडेशन, जल संपदा विभाग और कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर एसोसिएशन ऑफ विदर्भ के संयुक्त विद्यमान से जो है निःशुल्क जो है आइसोलेशन वार्ड का यहाँ पर जो है स्थापना की गई है, जिसमें 100 बेड यहाँ आइसोलेशन के लिए रखे गए हैं, कोविड मरीजों के लिए रखे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ जो है हर सुविधा जो है कोरोना मरीजों को दी जा रही है। जिस तरह से कोविड के पेशेंट शहर में भारी मात्रा में बढ़ते जा रहे, उसे देखते हुए ये जो उपक्रम चलाया जा रहा है ये काफ़ी सराहनीय है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।